उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बीती रात बीते कल जो टकराव की स्थिति पैदा हुई, किसान जिहड़े ने चार उते जिहड़े ने इस घटना के शहीद होए, इस तों बाद किसान जथेबंदियों के रोस दिखाई दे रहा है, वख-वख थावां ते प्रदर्शन हो रहे हैं, जिन्हें पंजाब के जिले ने डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के अगे भी किसान पहुँच रहे हैं, तो अमृतसर के किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वड्डा प्रोटेस्ट जिहड़ा शुरू करते हुए रेलवे स्टेशन से इकट्ठे हो रहे हैं, तो तरुण चौग की जिहड़ी भाजपा के राष्ट्रीय जनरल सकत्तर ने उन्हां दी रिहायश का घराओ किया जाएगा, तो उत्थे अर्थी फूक मुशायरा किया जाएगा। सरवण सिंह पंधेर साढ़े नाल ने, पंधेर साहब सब तो पहला कल की घटना लई तुसीं किस नूं जिम्मेवार मानते हो? ये पूरी तरह जिहड़ी आ जोगी ते मोदी जी सरकार जिम्मेवार है, ये प्री प्लैनिंग तरीके ना प्लैन करके ये जिहड़ी घटना नूं अंजाम दिता गया। इहदे पिछे कारण ये ने भी यूपी दे विच भाजपा के खिलाफ सर्वे आ रहा, उन्हां नूं साफ लग रहा भी असीं हार जाणा, और इस तरह उत्तराखंड च भी आ, वह मतलब उन्हां नूं लगता भी साढ़े खिलाफ देश के दे लोग बगावत कर रहे, यूपी के लोग, तो उन्होंने उन्होंने दबाने वास्ते जरा वा प्री प्लैनिंग तरीके ना, जिमें वो वीडियो वायरल आ रही उन्होंने मुंडे की ऐ इशारा करते हाथ च पिस्टल आ रहा वा, तो उन्होंने मुंडा जो सा प्रत्यक्ष दर्शी किसान ने उन्होंने वो मुंडे को पछाणिया, इन्हों पछाणिया वा, इन्होंने गड्डी थले दड़िया वा, शहीद किया वा जान बुझ के, और फिर गोलियां चलाईयां वा, और ये पिछे दे होर घटनावां तुसीं देखो, जिवें खट्टर जी जिहड़े हरियाणे दे मुख्यमंत्री आ, जिहड़ी उन्हां दी वीडियो वायरल हो रही है भी तुसीं 100-150 हर पिंड दे विच जिहड़ा वा ओह वलंटियर तैयार करो, यूपी दे इन्हां इलाकियां दा नाम भी लिया उन्होंने, तो जे कहिंदा जिहो जी अगले भाषा बोलदे उहो जिहा उन्हां नूं जवाब दिओ, ये उन्होंने शब्द वरते ने, तो उत्तों की साबित, एक मुख्यमंत्री इहो जी भरसा वरते, तो जिहड़े अजय मिश्रा जी ने उन्हां दी भी एक वीडियो वायरल हुई है भी ये मतलब कैरां की तरह सानू काले झंडे विखाउंदे ने, जिद्दन कहिंदा साढ़े सामने आ गए उद्दन कहिंदा भाजी मोड़ देंगे, ये गल्लां साफ साफ नज़र आउंदियां भी ये पहलों प्लैनिंग करके किसानां नूं शहीद किया गया। असीं कहिंदे भी ये किसानां दा डुल्लिया होया खून अजाई नहीं जाऊगा, ये पूरे देश के दे लोग यदा मुल पाउणगे, यह भाजपा के खिलाफ जिवें खट्टर ने जो कुछ किया, तो खट्टर के बाद देश में लहर बड़ी हुई, यह कह लो भी यूपी पूरा खड़ा कर दिता, लोगों में रोस बधूगा, सरकार का असली चेहरा लोगों के सामने आऊगा, और लोग इस गल का बदला लैणगे, सरकार जिहड़ी आ उह कदी गुंडियां दे हाथ विच नहीं देणगे देश दे लोग। अज यूपी जा उत्तराखंड तो तुसीं वेखो भाजपा का पूरी तरह सफाया होगा, और फिर जिहड़ी आ भांगा जिहड़ा वा उत्थे लत्तूगा, असीं पंजाब वाले पूरे देश के दे लोग यूपी वाले किसानों के नाल खड़े हैं, अज पूरे पंजाब दे विच इस तरीके नाल भाजपा के घर का घराओ करके जां वड्डे शहरां ते कस्बियां दे विच वड्डे कट करके रोडां जाम करके मुजाहरे कर रहे हैं, तो कल नूं पूरे पंजाब के पिंडां च करांगे, जे इह ना उन्हां नूं जिहड़ा जिहड़े मंत्री जां उन्हां दे मुंडे दे खिलाफ 302 दा परचा ना किया गया बाई नेम अनपछाते नहीं बाई नेम, तो साढ़े जड़े शहीद हुए परिवार ने उन्होंने करोड़ करोड़ रुपया ना मुआवजा दिता गया, तो अंदोलन आने समय होर तिखा हो। देर साहब जिहड़ा तुसीं अंदोलन कह रहे हो, अंदोलन तुसीं पंजाब च कर रहे हो, तुहानूं लगता इहदा असर उत्थों तक होगा उन्होंने, तो उत्थे यूपी दे विच कोई परवाह नहीं, क्योंकि इत्थे जे खज्जल होणगे किसान होणगे जां पंजाब दे लोक होणगे, तुहानूं लगता कि इह पंजाब दे जिहड़ा असर है ठीक है संकेतक तौर ते उन्हां नूं पता लग जाएगा, पर की इह भाजपा जिवें कि टकराव दी स्थिति लगातार रख रही है, घड़ी रवैया उन्हां दा रहा कि उह पिछे नहीं हटते, तो फिर अजिहे तुहाडे प्रोटेस्ट का कोई असर उन्हां ते होएगा? देखो ये यूपी च हो रहा साढ़े प्रोटेस्ट का असर ही सीगा, जे उन्हां दे कोई असर ना हुंदा तो इहो जी घटना नूं अंजाम ना देंदे, खट्टर ने भी बुखलाहट चा के साडे खिलाफ़ कार्रवाई करके देख ली, इन्हें भी करके देख लो, सरकार नूं लगता भी साढ़े हत्थां चो सत्ता जिवें रेत खुरदी है मुट्टी चो उवें खुस रही है, तो इहो जे कम करदे हुंदे आ पहला पास्ट आ, तो जदों दुश्मन मरदा हुंदा उदों बड़क भी मारदा हुंदा पुठे राह भी पैंदा हुंदा, इह स्पष्ट सानूं संकेत आ, तो हुण मरन दी किनारे ने तां पुठे राह पए ने। जिहड़ा किसानां दे उत्ते दोष लगा जी कि किसानां ने हिंसक जिहड़ी स्थिति सी किसानां दे कारण बणी आ, पथराव किसानां वल्लों शुरू होया, इस बारे की कहना चाहुंदे? वेखो जिहड़े पाप कमाले आ जिहड़े खून नाल होली खेडली आ, कोई तां इल्जाम ला के धोण दा यतन करना धुपना नहीं हैगा, जिहड़ा तुहानूं उहनां दे जोगी दी सरकार दे उत्ते जिहड़ा धब्बा लग गया जिहड़ी मूँह ते कालख मल लई आ, धुपण वाली नहीं हैगी, जो मर्जी झूठ बोली जाण। ਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਖੜਾ ਕਰਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਪਰਦੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਾਲੀ? ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੁਝ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਕਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਕੋ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, और जो लखीमपुर खीरी में होया लोग वह भी जानते, जिन्ना मर्जी आपदे मीडिया तो झूठ मरवा लैन पर सच लोगों को रुकना नहीं है, जिमें खट्टर
खट्टर दियां नासा बंद कीतियां हरियाणे वाले लोगों ने, उवें यूपी के लोग तो पूरे देश के दे किसान मजदूर जोगी दियां नासा भी बंद करनगे। इस घटना तो बाद भंधेर साहब तुहानूं लगता कि जिहड़ा भाजपा के जिहड़े लोग ने पूरे देश के विच पंजाब ते हरियाणा के विच वड्डे पद्धर ते हो रहे ने, वो पहले ही कह रहे थे कि दो स्टेटा का जिहड़ा प्रोटेस्ट है, हुण पूरे देश किवें इसका असर जाएगा? देखो ये तो उन्हां दी घटना तो वापर गया, जे यूपी च कुछ है नहीं सी ता की लोड़ सीगा, यूपी के लोग लामबंद सी तां ही हैलीकाप्टर जिहड़ा वा उत्थों दे डिप्टी सीएम का उत्तर नहीं दिता गया, तां ही जिहड़े गृह राज्य मंत्री उन्हां दे पिंड च उन्हां दा विरोध होया, वह विरोध तो डरदिआं पहली भी जम दी लहर नूं कुट दिओ मार दिओ, वह नहीं कुटी जाऊगी तो ना मरूगी। लगभग 12 जिलों ची साडे प्रोटेस्ट हो रहे, सैकड़े थावां ते प्रोटेस्ट होगा, शामां तक रिपोर्ट आ जानी, प्रेस नूं जानकारी दांगे। भाजपा आगुआं दे किहड़े किहड़े जिहड़े तुसीं कर रहे हो? अज इत्थे हैगा हुशियारपुर दे विच भी, जिथे जिथे असीं कहा भी जिथे भाजपा दे कोई वड्डे लीडर है, कई थावां ते है ही नहीं, हुण ते इत्थे तां सफाया हो गया वा, तां जिथे जिथे हैगे उत्थे उहनां दा घराओ करके उहनां दे दफ्तर धरने भी देवांगे, अर्थी फूक मुजारे भी करांगे, तां बाकी नहीं तां वड्डे कस्बिआं च वड्डे मुजारे करके रोडा जाम करके कुछ समय लिए अंशिक तौर पर अर्थी फूक मजा रहे जोगी ते मोदी सरकार दे। इस घटना तो बाद लखीमपुर वाली घटना तो बाद किसानी अंदोलन के खिलाफ जी लड़ाई है, इसनों किवें देखते हो तुसीं, किन्नी के किस इस घटना तो बाद कितने खड़ी है, जिवें कि लाल किले की घटना तो बाद एक वारी जी गलबात सी रोगी सी, इस घटना तो बाद कितने तुसीं देखते हो? सरकार ने जो कुछ दिल्ली च कीता उहदे उस तों बाद यह मुद्दा इंटरनेशनल लैवल ते गया सी, जिवें इंटरनेशनल महाशक्तियां ने मीडिया किवें प्रोजैक्ट करता उन्हूं वक्री गल, वो घटनावां तो 26 तो बाद अंदोलन अगे गया पिछे नहीं आया है, अंदोलन पूरे दुनिया च फैलिया, और एक घटना तो बाद भी जिहड़ी इह वापरी लखीमपुर खीरी दे विच, घटना तो बाद अंदोलन होर तेज होया, लोगों में रोस पैदा होया वा, जिहड़े किसान नहीं सी उठे उन्हां दा मन भी जिहड़ा वा उह इह घटना तो बाद दुखी होया, वह भी अंदोलन में होर वध चढ़ के हिस्सा लैणगे, अंदोलन होर अगे जा रहा वा। ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਖਰੀਦ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੰਗ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਝੰਡਾ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, जे सरकार गल करनू जदों सद्दूगे असीं चले जावांगे, जे नहीं सद्दूगे उन्हां दी मर्जी। आखिरी सवाल भंधेर साहब, तुहानूं लगदा कि इस तरह दीआं जिहड़ीआं घटनावां, क्योंकि भाजपा दे आगू जिहड़े ने खासकर हरियाणा दे विच ते यूपी दे विच ने, उत्थे लगातार प्रोटेस्ट हो रहे ने, भविख दे विच अजिहीआं घटनावां ना होण जां कोई खशा तुहानूं होर वी हो सकदी आ, तां की तुसीं सरकार नूं कहिणा चाहुंदे केंद्र सरकार? देखो मैनूं लगदा लॉ एंड आर्डर दी पोजीशन नूं कंट्रोल रखना सानू डेमोक्रेटिक तौर पर विरोध करने का पूर्ण हक है, सरकार का हक बनता वो सानू हक दे, जे नहीं दूगी तो नुकसान होर होगा, जिन्या मर्जी शहादत होन खेती कानून वाले मसले से जी संघर्ष चल रहा वा, वो उदों तक नहीं हल होगा जो तो खेती कानून वापस नहीं लेंगे, तो MSP का गरंटी का कानून और दो मंगा होर ने किसानों के पाए केस वापस नहीं, उन्ना चिर जारी रखांगे भावें 24 तक लड़ना पवे। पंजाब सरकार के केस जिहड़े सीगे जिहड़े रेलवे नाल संबंधित सीगे कि वो वापस ले लए गए? हाँ बिल्कुल, CM साहब का बयान आ गया भी असी RPF के सारे केस वापस लै रहे हैं, 205 के लागे केस सीगे पुलिस के, उच्चों 65 पहलों लै ले सी, बाकी की रिपोर्ट आ घटना वापर गई कल लैके पता कर दे किन्ने वापस होए। साहब कितने सड़क जाम करन दा जां कोई होर प्रोग्राम तो नहीं तुहाडी? हाँ फिलहाल हाले नहीं गा, जे होगा भी कितने अंशक होगा, हाले असी चल रहे हैं अंशक तौर पर सड़क जाम करके रोस प्रोटेस्ट करांगे, जे कल नूं इह घटनाक्रम दा कोई फैसला नहीं हुंदा फिर सारियां जथेबंदियां नूं राय करके कोई अगला वड्डा प्रोग्राम भी आ सकदा। जांच दी की मंग करदे तुसीं इस सारे मामले? असीं जांच दी तां मंग करीए भी साडे कोल शवाहद ना होण, सीधे सबूत ने सीधा परचा करो 300 दे दा, इह मंत्री पद तों बंदे ला के इहनां नूं जेल दे अंदर डक्किआ जाणा चाहीदा। कोई CBI जां सुतंत्र जज दी जिवें मंग उठी सीगी कि सुप्रीम कोर्ट दे जज साहिबान तों? देखो जांच तां मंगदे आ भी जे उत्थे शवाहद ना होण, जांच तां मंगी जाए, इत्थे तां साडे कोल सामने प्रपूत ने, साडे बंदिआं कोल बयान लगाओ प्रत्यक्ष दर्शी ने सामने जिन्हां ने बंदे पछाणे ने, हाँ उत्थे जांच हुंदी जिथे कोई सबूत प्रूफ नहीं हैगा। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ ਤਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰਹਿਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਭੰਧੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ
रहे हैं कि किसान हमेशा शांतमई तरीके दे नाल ही प्रोटेस्ट करते हैं तो अज भी शांतमई तरीके दे नाल प्रोटेस्ट होणगे पंजाब दे वख-वख जिलों दे विच वख-वख किसान जथेबंदियां जिथे डीसी दफ्तरां दा घराओ करनगियां उत्थे ही किसान मजदूर संघर्ष कमेटी अज भाजपा के जिहड़े वड्डे आगू ने उन्होंने घरां दा घराओ जिहड़ा करेगी। कैमरा परसन सिकंदर दे नाल गगनदीप शर्मा एबीपी सांझा अमृतसर। यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई घटना के बाद पंजाब में किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। आज अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी द्वारा रोस मार्च करते हुए भाजपा के जो राष्ट्रीय महासचिव है तरुण चुग उनकी अमृतसर के हाथी गेट में स्थित रहायश के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किसान जहाँ पे रोस मार्च निकालते हुए पुतला लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये पुतले के साथ किसान जो है वो तरुण चुग के घर के बाहर जहाँ प्रदर्शन करेंगे और वहाँ पे पुतला जलाएंगे। किसानों का कहना है कि इस घटना के लिए जो भाजपा के जो नेता हैं अजय मिश्रा केंद्रीय मंत्री और उनका जो बेटा जिम्मेवार है उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि हाथी गेट के बाहर से किसान जो है अंदर जा रहे हैं। इसी रास्ते पे भाजपा का कार्यालय भी इस जगह पे ही था और पुलिस द्वारा भाजपा के कार्यालय के बाहर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लेकिन किसानों ने वहाँ पे बाहर सिर्फ चंद मिनटों के लिए नारेबाजी की और उसके बाद जो किसान है वो तरुण चुगी रहायश के तरफ बढ़ रहे हैं और वहाँ पे जाके पुतला जलाकर किसान प्रदर्शन करेंगे। कैमरा पर्सन सिकंदर के साथ गगनदीप शर्मा एबीपी न्यूज अमृतसर। किसान आगू गुरभजन सिंह चब्बा साढ़े नाल ने चब्बा साहब तरुण चुग की रहायश का घराओ तुम अज कर जा रहे हो, की रोस किसानों का लग? असं अज तरन चुग जे बीजेपी के व्डे लीडर है उन्होंने घर के मूहरे आए हैं क्योंकि कल जरा यूपी के योगी सरकार वालों जो जो मंत्री अजय मिश्रा शांतमई जरा वा प्रोटेस्ट कर रहे किसानों के उत्ते गड्डिया चाड़िया गई गोलियां चलाई गई तो शरेआम किसानों का जोड़ा कतल किया गया उन्होंने शहीद किया गया वो विरोध के जरा असी अज इतने पुतला भी छड़ा प्रोटेस्ट भी करा क्योंकि मोदी सरकार जी पूरी तरह घबराहट चा के अज जरा योजे गोझे हथ कंडिया के उप उत्तर आई है कि शांतमई किसानों भी जोड़ा वा वो कतल कर रही है। इवें जोड़ा वा मोदी सरकार जी बच नहीं सकती, किसानों का रोह जोड़ा वा बहुत उच्चे पद्धर से जा रहा वा तो मोदी सरकार जी सत्ता चो बाहर हो रही है इस करके घबराहट चाण के शांतमई किसानों के उत्ते भी जोड़ा योजे अत्याचार किया जी असं सख्त शब्द निखेधी करते हैं। भाजपा के आगू इस लिए किसानों जिम्मेवार मानते हैं कि टकराव की स्थिति कितना कितने किसानों वालों बनाई गई जबकि वीडियो जो बहुत वायरल हो रही हैं, किसान जिम्मेवार मानते? बिल्कुल जी, अपनी सिर्फ कमियां जिहड़ियां नाकामियां छुपाउण वास्ते कह रहे हैं। किसान हमेशा ही शांतमई प्रोटेस्ट करते अपना विरोध करते कालियां झंडियां विखाउंदे आ पीसफुल हुंदा इन्हां बखलाड़ दे विच आण के जिहड़ियां वा गड्डियां जिहड़ियां चलाईआं तुसीं वीडियो वेख सकदे हत्थ दे विच रिवालवर फड़िआ इन्हां दी पिछले दिनां च वीडियो भी वायरल होई सी कि जे किसान जिहड़े आ पिछे विखाउंदे झंडे साडे सामने आउणगे ते मौके दे उत्ते असीं इहदी भाजी मोड़ांगे। आ तुसीं इक होर वीडियो वायरल ओह जिहड़ी आ वेख रहे जो खट्टर सरकार दी मुख्यमंत्री खट्टर दी जिहड़ा अपने गुंडिआं नूं उकसा रिहा कि तुसीं हत्थ दे विच डांगा सुटे लो ते उसे वेले जैसे को तैसा जिहड़ा जवाब दिओ, जे तुसीं जेलां दे विच चले जाओगे जमानत दा तुहानूं कोई फिक्र नहीं है, दो चार छे महीने रह के आओगे ते वड्डे नेता बन के तुसीं अंदर आओगे। इहो जिहियां जिहड़ियां उकसाहट पैदा करके आप इन्हां दी बखलाहट दी निशानी दे रही भी पूरी तरह भाजपा सरकार जिहड़ी आ घबराई होई है। साहब कितना कि लड़ाई खेती कानूनों के खिलाफ थी तो अजी घटनावान ध्यान तो नहीं भड़का जिदा 26 जनवरी के अजय घटनावान तो बाद ध्यान का भी भड़का? बिल्कुल जरा वा ये साढ़े अंदोलन ढा लाने की जी खातर योजना घटनावान जड़िया वा वो कर रहे हैं कि लोगों का ध्यान जोड़ा इधर अजय जकसाड़ जान के किसान भड़ जा, लेकिन किसान अंदोलन जोड़ा पीसफुल सी पीसफुल है तो पीसफुल ही रहेगा तो अपने मिथे हुए टीचे सर करके ही वापस आऊगा जिन्ना चर कले कानून वापस नहीं होंगे साडा अंदोलन शांत चलता रहेगा। पूरे पंजाब दे विच जिहड़े प्रोटेस्ट हो रहे ने हरियाणा च भी प्रोटेस्ट दी कॉल की तुहानूं लगदा यूपी च बैठे असर होगा सरकार? बिल्कुल जी, यूपी भी बहुत वड्डा असर होगा इस घटनाक्रम दे नाल, यूपी वासियां दा भी बहुत वड्डा उहनां दे विच रोस फैल गया, पूरे देश दे विच जिहड़ा वा मोदी सरकार दे बीजेपी दे सरकार लोकां च गुस्सा फैल गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੇਗੀ, ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਟਕਰਾਵ ਵਾਲੀ ਬਣੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਠਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਘੱਟ ਵਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ? ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਇਹਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 302 ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੂਪੀ ਦੀ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 100% ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਤਲ ਦੇ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਪਟਾ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਜਥੇਬੰਦੇ ਕੋ ਸਕੱਤਰ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਕੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰਹੇਗੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਅਗਲੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਊਗੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਾੜੀ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਏ ਆ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਮੁਹਿੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਜੋ ਰਣਨੀਤੀ ਆਊਗੀ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਬਜਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੁਤਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤਰਨ ਚੌਕ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 302 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤਰਨ ਚੌਕ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਗਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੇ ਤਰਨ ਚੌਕ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਧਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਜੋ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰਨ ਚੌਕ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਤਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੁਤਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਰਨ ਚੌਕ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 302 ਦੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ DC ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਤਰਨ ਚੌਕ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਰਨ ਚੌਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਮਨਾਥ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂੰਨ।